हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड एंड मैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि इस वक्त तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी भी दिखाई देती है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली भी हो सकती है, उनके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, है ना। थर्ड पार्टी कौन है आपको पता होगा। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी में आपके पर्सन स्टक हैं और वहीं पर बहुत ज़्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ अभी उनकी जम नहीं रही। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके आपके पर्सन को रख रही है और इस वजह से आपके पर्सन का वहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं है रहने का, ऐसा दिखाई देता है। और वहाँ से वो निकलना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी भी आपके पर्सन की है। और आपके पर्सन अभी जब इन सब परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आपकी याद उन्हें बहुत ज़्यादा सता रही है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और आप पर बहुत ज़्यादा उन पर ऐसा है कि आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का। उन्हें लगता है कि जब भी वो आपकी तरफ बढ़ेंगे आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस लोगे और आप उनका साथ उसी तरह दोगे जैसे पहले देते थे। ये विश्वास आपके पर्सन को आपके लिए है और आपसे दूर हुए हैं इसका पछतावा भी है आपके पर्सन को। उन्हें लगता है कि आपका साथ इस तरह उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए था या आपसे दूरी नहीं बनानी चाहिए थी, ये अब आपके पर्सन को लग रहा है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पछता भी रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि आपका साथ उन्हें अब चाहिए ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन वो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन आपसे मूव ऑन किए हैं ऐसा भी दिखाई देता है गाइस, और उसी वजह से अब वो पछता रहे हैं। और थर्ड पार्टी के साथ इनके रिश्ते कुछ अच्छे नहीं हैं, ये भी यहाँ दिखाई देता है। आपको लगता होगा भले कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन खुश हैं, पर ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ सिर्फ और सिर्फ वो परेशान ही हैं और इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपके पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं गाइस, जो थर्ड पार्टी में या जहाँ भी वो स्टक हैं, जिस भी सिचुएशन में वो स्टक होंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्हें जो कंट्रोल किया जा रहा है। और फिर यह है कि आपके पर्सन को वहाँ समझता नहीं कोई, ये आपके पर्सन की दिक्कत है कि उन्हें वहाँ कोई समझने वाला नहीं, उनकी फीलिंग को कोई वहाँ समझने वाला नहीं है। इस बात से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, वो किस हाल में ये किसी को मतलब नहीं है। सब वहाँ जो भी लोग हैं, जिनके भी साथ ये रह रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में ये स्टक हैं, वहाँ पर सिर्फ लोग अपना फ़ायदा देख रहे हैं। आपके पर्सन का फ़ायदा उठाना जानते हैं लेकिन उनका साथ देना नहीं जानते। इस वजह से आपके पर्सन यहाँ पर परेशान दिखाई देते हैं और जो आपके साथ प्यार केयर उनको मिलता था वैसा वहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा। तो यही कारण है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड भी हैं। और आपके पर्सन चाहे जितना भी उन लोगों के लिए कर रहे हैं या जहाँ पर भी वो हैं उनके लिए जितना भी ये उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर जो लोग हैं वो इनको नहीं समझते, वो थर्ड पार्टी जो है इनको नहीं समझती और इसी बात से आपके पर्सन दुखी हैं। और यहाँ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन में दिखाई देते हैं गाइस, उन्हें लगता है कि उनके ऊपर बहुत सारे बोझ आ गए हैं जिनको अब वो संभाल नहीं सकते, जिनको उठाना नहीं चाहते आपके पर्सन। उन्हें लगता है कि बोझ इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उन्होंने ले ली है कि अब वो थक चुके हैं। और आपके पर्सन को चाहिए प्यार, आपके पर्सन को चाहिए केयर, उनको चाहिए सपोर्ट, लेकिन ऐसा कुछ मिल नहीं रहा। इस वजह से आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं। और आप लोगों ने गाइस वो कम्युनिटी पे पोस्ट किया था, मैंने कई ठो कमेंट हैं ऐसे जिनके रीयूनियन हुए हैं या जिनके रिश्ते से थर्ड पार्टी चली गई, तो उन्होंने यहाँ पर कमेंट करके बताया, तो मैंने उसके स्क्रीनशॉट को कम्युनिटी पे पोस्ट किया है। उसको आपने देखा है कि नहीं? नहीं देखा तो आज जाके देख लीजिए, तो आपको भी उससे आप भी मोटिवेट होंगे, आपको भी पता चलेगा कि हाँ होते हैं रीयूनियन, थर्ड पार्टी जाएगी। आप लोग परेशान होते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं, बस रीडिंग हम रोज़ रोज़ सुनते हैं और एक ही तरह की रीडिंग होती है। कुछ कुछ कमेंट ऐसे नेगेटिव लोग कर देते हैं कि ऐसा तो कुछ होता नहीं, बस आप लोग बताते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, होता है। आप इसीलिए मैं प्रूफ देने के लिए ही कम्युनिटी पे पोस्ट कर देती हूँ। मैं जिनके कमेंट होते हैं उनसे परमिशन भी नहीं लेती और वो लोग यहाँ पर आके बताते हैं कमेंट में कि ऐसा ऐसा हुआ, या इंस्टा पे कोई मैसेज करके बता देते हैं कि हमारे साथ हमारा रीयूनियन हुआ है, कि हमारे रिश्ते से थर्ड पार्टी चली गई। तो मैं इसीलिए बिना परमिशन के ही स्क्रीनशॉट लेके और वहाँ पर कम्युनिटी में पोस्ट कर देती हूँ कि आप, ताकि आपको पता चले, आप लोग भी देखोगे, आप भी मोटिवेट होंगे, आपको भी समझ में आएगा कि हाँ होता है ऐसा। ये कोई ऐसे कहने वाली बात नहीं है कि चैनल पर आके हम कह रहे हैं तो ये सब झूठ है, ऐसा तो नहीं है, होता है, इसलिए बताते हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके पढ़ लीजिए, वहाँ पर कमेंट के स्क्रीनशॉट मैंने दे दिए हैं, उससे आप लोगों को भी समझ में आएगा कि गाइडेंस को फॉलो करने से फ़ायदा मिलता है।
गाइस कुछ के पर्सन के साथ ऐसा भी है कि उनकी कहीं पर ज़बरदस्ती सगाई की गई है या शादी भी कर दी गई, ऐसा भी हो सकता है उनकी मर्ज़ी के बिना, उनकी फैमिली ने ये रिश्ता पक्का किया और उनकी शादी या सगाई भी हुई है। कुछ के पर्सन के साथ ये भी हुआ होगा, तो इस वजह से भी आप लोगों के पर्सन यहाँ पर परेशान है, क्योंकि उनको तो यही है कि आप उनके दिल में हो, ठीक है, आपसे वो प्यार करते हैं, तो किसी और से शादी कैसे कर ली या किसी और के साथ कैसे लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, ये सब सोच सोच कर आपके पर्सन यहाँ पर परेशान दिखाई देते हैं। और प्यार की बात करें गाइस, तो आपके पर्सन के दिल में आज भी आपके लिए प्यार दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है, प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन मजबूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ये भी है कि थर्ड पार्टी यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, और उसके कंट्रोल में आपके पर्सन हैं और इस वजह से वो स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा हैं, किस तरह वहाँ से निकले समझ नहीं आता उनको, क्योंकि थर्ड पार्टी में तो खुद ही जाके स्टक हुए हैं ना, ऐसा तो है आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी ऐसे तो नहीं आई थी, आपके पर्सन की तरफ से ही आई, आपकी तरफ से तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता कि थर्ड पार्टी आपकी साइड से है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन की साइड से, चाहे उनकी फैमिली हो, उनके अदर रोमांटिक पार्टनर हो या उनके हस्बैंड वाइफ हो या कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी, ठीक है, तो आपके पर्सन की साइड से ही है दिक्कत, अब खुद ही थर्ड पार्टी में जाके वो स्टक हो गए हैं, अब कैसे वहाँ से निकले ये सोच सोच कर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आपके पर्सन रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, काम में उनका मन नहीं लगता, आपको 24/7 याद कर रहे हैं, कैसे आपकी तरह बढ़े, किस तरह आपको मनाए, ये भी वो सोच रहे हैं, क्योंकि आपको तो हर्ट करके गए हैं, ठीक है, और अब तो यही चाहते हैं आपके पर्सन कि किसी भी तरह आपके साथ रीयूनाइट होना है, किसी भी तरह आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना है और फ्यूचर भी आप ही के साथ देख रहे हैं और थर्ड पार्टी को किसी भी तरह अपनी ज़िंदगी से निकालना है, बस ये सोच रहे हैं, लेकिन किस तरह करें ये नहीं समझ पा रहे हैं, परेशान हो कर रह रहे हैं, काम भी उनका ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा भी दिखाई देता है कि पैसों की भी दिक्कत आपके पर्सन को हो सकती है, उसका जो उनका जॉब या बिजनेस है वो कुछ ठीक नहीं चल रहा है अभी, क्योंकि उनका ध्यान अभी बटा हुआ है, ठीक है, काम में उनका मन लग नहीं रहा क्योंकि उनके दिमाग में चल रहे हो अभी आप, उन्हें उनकी अभी यही इच्छा है कि किसी भी तरह आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, फिर उनके साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये आपके पर्सन को लग रहा है, तो इस वजह से आपके पर्सन का ध्यान अभी काम पर भी नहीं है, ठीक है ना, वो फोकस नहीं कर पा रहे अपने काम पे और इस वजह से उनको पैसों की भी दिक्कत है, ये भी दिखाई देता है, इनका जॉब या बिजनेस अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, परेशान इसी वजह से तो है ना, हर साइड से मुसीबत है उनकी तरफ, है ना, पहले तो आपके साथ थे तब सब कुछ ठीक था, ये आपके पर्सन को लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में थे तो उनके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब से आपसे अलग हुए हैं तभी से परेशानियाँ शुरू हुई हैं, ये आपके पर्सन को लगता है, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी से भी परेशान हुए हैं आपसे अलग होने के बाद और उसके बाद उनका काम भी कुछ ठीक नहीं चल रहा और थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है, थर्ड पार्टी के साथ वो खुश हैं ऐसा तो दिखाई नहीं देता, लड़ाई झगड़े वहाँ पर भी हैं, लेकिन वो सबको दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए आपके पर्सन मुखौटा पहन कर रहते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, ये वो दिखाना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत और तकलीफ उनके साथ है, इस वजह से वो इंसान परेशान है, रातों की नींद भी उसकी उड़ी हुई है और आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और एक बात बताऊं गाइस, तो यहाँ पर यह है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरह रीयूनियन वो चाहते हैं, है ना, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, देखिए आपसे अलग होकर खुश तो नहीं है, आपकी आवाज़ सुनने को आपके पर्सन भी बेचैन है, ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि तो यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हो और कुछ सीखा तो यहाँ पर ऐसा कि आप लोगों ने खुद ही उनको ब्लॉक किया है, है ना, तो बातचीत हुई यहाँ तो नहीं दिखाई देता कि कोई कॉन्टैक्ट होगा, नो कॉन्टैक्ट ही दिखाई दे रहा है, तो आपके पर्सन इस वजह से भी बहुत ज़्यादा बेचैन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, जो भी उनकी ज़िंदगी में चल रहा है आपको बताना चाहते हैं कि क्या क्या उनके साथ चल रहा है, क्या उनके साथ दिक्कत है, हो सकता है पास में जब आपके साथ रिलेशनशिप में आपके पर्सन थे तो हर छोटी बड़ी बात आपके साथ शेयर करते थे, है ना, कि आज क्या हुआ उनके साथ, आज पूरे दिन उनका कैसा गुजरा, है ना, क्या क्या उनके साथ हुआ शेयर करते रहे होंगे आपके साथ बात, वही उनकी आदत लगी हुई है और अब वो वही चाहते हैं, जब परेशान हैं तो उनको लगता है कि आपको बताएं तो उनका मन हल्का होगा, आप उनको कोई सलाह दोगे, तो आपके लिए इसी वजह से बहुत ज़्यादा बेचैन आपके पर्सन यहाँ पर दिखाई देते हैं। और आपकी एनर्जी की बात करें गाइस, तो ऐसा दिखाई देता है कि शायद आप लोगों के साथ भी दिक्कत तो है, जॉब वगैरह में दिक्कत हो सकती है, कुछ लोगों के साथ होगा, सबके साथ तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के साथ होगा कि जॉब वगैरह में आपके भी दिक्कत है, कुछ काम में आपकी भी दिक्कत चल रही है, जैसे आपके पर्सन के काम में भी परेशानियाँ हैं, और देखिए जिस तरह आपके पर्सन स्ट्रेस में है आप भी यहाँ पर स्ट्रेस में ही दिखाई देते हो, ठीक है, आप भी परेशान हो, आप भी चाहते हो कि भाई किसी भी तरह अब कुछ तो हो, बहुत टाइम हो गए आप दोनों को अलग हुए, तो आपके पर्सन कोई तो एक्शन लें या आपको कुछ तो क्लैरिटी दें कि इस रिश्ते को आगे ले जाना है या नहीं ले जाना है, जो भी है बताएं, ऐसा आप चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो आप लोग,
इस वजह से परेशान आप भी दिखाई दे रहे हो। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है आगे। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं गाइस जिनको हेल्थ इशू हैं। कल भी बताई थी वीडियो में, आज भी बता रही हूँ कि हेल्थ इशू भी कुछ लोगों को हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मत लीजिए स्ट्रेस। आपके स्ट्रेस लेने से, रोने और परेशान होने से आप किसी को हासिल तो नहीं कर लोगे। और आप जितना ज़्यादा खुश रहेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे, अपने काम पर ध्यान देंगे, अपने पैशन को फॉलो करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सुखी भी रहेंगे और आपके पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इतना जान लीजिए। तो आप लोग देखिएगा इस, परेशान मत होइए। रीयूनियन यहाँ पर दिखाई देता है, रीयूनाइट आप लोग होंगे। आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है तो वो भी चली जाएगी, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो खुद इस चिंता में हैं, वो खुद इसी बारे में सोच रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है आपको पता है ना, गाइडेंस हर वीडियो के एंड में मिल जाती है। ठीक है, अब फिर से बता देती हूँ कि आप लोगों को किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है इस बात को ध्यान में रखिए। और किसी के लिए परेशान होकर आप किसी को हासिल भी नहीं कर सकते, इतना भी जान लीजिए। और आप जितना ज़्यादा खुद पर फोकस करेंगे, उतना ही जल्दी आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जैसे दूसरों का रीयूनियन हो रहा है, आपका भी होगा। ठीक है, तो खुद भी खुश रहिए गाइस, और औरों को भी खुश रखिए। जिनको मदद की ज़रूरत है उनकी मदद करते रहिए। तो यही रीडिंग है गाइस। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।